नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL, ये करीब चल रहा है 64 रुपए 50 पैसे पे। नहीं जी, इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा 80 रुपए का एंड स्टॉप लॉस रहेगा 58 का। तो आप देखिए, करीब करीब 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस है जी, बट ऊपर में जो टारगेट इसके बन कर आ रहे हो 15 रुपए के, नियरली 1:2.5 का रिस्क और शॉर्ट टर्म में बन रहा है। डेली चार्ट्स पर अनिल जी काफी ओवरसोल्ड हो चुका था ये स्टॉक, और बहुत ही बढ़िया सा एक बाय क्रॉसओवर इसके मोमेंटम में देखने मिल रहा है हमें। और इनफैक्ट ये न्यूज भी आ गई चाइना वाले, तो आई एम श्योर कि काफी ये स्टॉक को फायदा होगा और सारी फर्टिलाइजर स्टॉक्स को इनफैक्ट फायदा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये भी कि वीकली चार्ट्स पर ये स्टॉक का एक फोर्थ वेव खत्म हुआ है, यहाँ से फिफ्थ वेव हमें ऊपर की तरफ देखने मिलेगा, विच विल डेफिनेटली टेक दिस स्टॉक अबाउट इट्स प्रीवियस स्विंग हाइज। सो ये 75 के ऊपर तो जाएगा ही, और इसके मिनिमम कंजर्वेटिव टारगेट जो फिफ्थ वे में बनेंगे वो रहेंगे लगभग 80 रुपए के। सो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है जी। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, स्टॉक क्लियरली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो चैनल के लोअर एंड पर ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो अब फिर से अपर एंड की अपर एंड तरफ जाने की तैयारी हो चुकी है। और फंडामेंटली एक और चीज़ अगर अनिल जी मैं देखूँ तो ये स्टॉक में ये लास्ट 2 साल से इसमें टॉप लाइन में बहुत ही अच्छी बढ़त हमें देखने मिल रही है, ऑल दो मार्जिन इनके फ्लैट ही रहते हैं, बट जो हिसाब से टॉप लाइन में एक बढ़त देखने मिली स्टॉक में, लगभग 18-20 रुपए से 75 का मूव आया हमें लास्ट 1-1.5 साल में देखने मिला। सो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से हमें टॉप लाइन में ग्रोथ अच्छा देखने मिल रहा है, और वहीं पर ये मोमेंटम रहा, और ये चाइना से जो न्यूज़ आई अगर वो और हेल्प करता है एंड डेफिनेटली हमें और भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर जाते हुए देखने मिलेगा। सो बोथ फ्रॉम द टेक्निकली एंड फंडामेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक अच्छा कर सकता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, नजर रखिए। नेशनल फर्टिलाइजर, आज तो बड़ी खबर भी आई है, चीन ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स पर टेम्परेरली रोक लगा दी है, तो भारतीय फर्टिलाइजर कंपनीज पर डेफिनेटली फोकस बढ़ते हुए दिख रहा है।